हेलो दोस्तों, इन दिनों बाजार में एक नया ट्रेंड आया है जो बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसी पुरानी हिंदी फिल्में फिर से थिएटर में रिलीज हो रही हैं, जो अपने वक्त में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन बाद में चलकर इतनी ज्यादा पसंद की गई कि कल्ट सिनेमा कहलाई। और सबसे हसीन बात यह है कि इन बेहतरीन फिल्मों को फिर से देखने के लिए जनता फिर से थिएटर जा रही है और भर भर के जा रही है। ऐसी ही कल्ट हिंदी फिल्म इस हफ्ते रिलीज हुई है, जिसे सालों से मास्टरपीस कहा जा रहा है। बोले तो तुम्बाड, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और उस वक्त थिएटर में बेहद कम देखी गई, लेकिन फिल्म इतनी कमाल की थी कि धीरे धीरे कल्ट स्टेटस हासिल कर गई। मैंने भी इस बेहतरीन फिल्म को कई साल पहले OTT पर ही देखा था और आज कई साल बाद इसे थिएटर में देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि कसम सिनेमा मैया की बहुत बहुत मजा आया और ये फिल्म सच में बड़े पर्दे पर ही देखने लायक है। अब तो इंतजार है तुम्बाड 2 का, जिसे जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए तो मजा दोगुना हो जाएगा। कई अच्छी फिल्मों के साथ ऐसा होता ही रहता है कि वक्त गुजरने के साथ वो पुरानी पड़ने लगती हैं और अपना रेलेवेंस खो देती हैं। लेकिन थिएटर व्यूइंग के बाद समझ आया कि 6 साल बाद भी तुम्बाड अपनी चमक को बरकरार रखे हुए है। बेहद लो बजट में बनी ये फिल्म ब्रिलियंट विजन वाला वेल एग्जीक्यूटेड नितांत ओरिजिनल सिनेमा है, जिसे थिएटर में देखने पर यकीन ही नहीं होता कि ये फिल्म मात्र 5-10 करोड़ में बनी थी। बारिशों में भीगी हुई इसकी सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। प्रोडक्शन डिजाइन एकदम बेमिसाल है। देवी के गर्भ वाले सीन अद्भुत हैं। बैकग्राउंड स्कोर और यूनिक से साउंड इफेक्ट्स एकदम धांसू हैं। प्रोस्थेटिक्स और VFX की मदद से तैयार दादी और हस्तर रोंगटे खड़े कर देते हैं। 1918 से लेकर 1947 तक की पीरियड सेटिंग इतनी ऑथेंटिक है कि लगता है करोड़ों रुपए बहाकर तैयार की गई होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। दरवाजे और तालों से लेकर तुम्बाड के बाड़े तक को इतना बखूबी इस्तेमाल किया गया है कि देखकर मजा आ जाता है। इस फिल्म का मूड, इस फिल्म का एटमॉस्फेयर, फैंटेसी, फोकलोर और हॉरर के मेल से तैयार इसकी कहानी का सबसे शानदार और अलहदा किरदार है। वैसे इसके रोंगटे खड़े कर देने वाले शानदार हॉरर सीन्स की वजह से तुम्बाड को हॉरर फिल्म माना जाता है, लेकिन मेरी नजर में ये कतई हॉरर फिल्म नहीं है। ये ग्रीड यानी कि लालच की पराकाष्ठा पर बना एक बेहतरीन सिनेमा है, जो हॉरर के एलिमेंट्स का सॉलिड इस्तेमाल करता है अपनी बात को इम्पैक्टफुली कहने के लिए। जैसे दादी नानियों की कहानियाँ होती थी या पंचतंत्र की कथाएं होती थी, जिनमें किसी गूढ़ बात को कहने के लिए रोचकता के साथ साथ डर का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक उसी तरह तुम्बाड भी हस्तर नाम के डर का इस्तेमाल कर इंसानी लालच को हार्ड हिटिंग अंदाज में पेश करती है, और इसीलिए इस फिल्म को सिर्फ हॉरर जॉनर तक सीमित कर देना ठीक नहीं है। और तो और, अगर आपके आसपास कोई डिसफंक्शनल फैमिली हो जिसकी बुनियाद में भ्रष्टाचार हो, तो आपको बहुत आसानी से तुम्बाड और उन फैमिलीज के बीच पैरेलल्स दिख जाएंगे, जिसमें सिर्फ लालची इंसान बर्बाद नहीं होता बल्कि उसकी आगे की पीढ़ियां भी उसी कुचक्र का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे फिल्म में विनायक के साथ रहते रहते उसका बेटा भी उससे ज्यादा लालची हो जाता है। ग्रीड अर्थात लालच पर बहुत बेहतरीन सिनेमा है तुम्बाड, इसलिए इसे उस नजर से भी जरूर देखा जाना चाहिए। तो अगर आपने अब तक तुम्बाड नहीं देखी है या फिर सिर्फ OTT पर देखी है, तो इस सुनहरा मौका है इस बेहतरीन कल्ट हिंदी फिल्म को बड़े पर्दे पर बढ़िया साउंड सिस्टम के साथ देखने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। दादी सो जा, रास्ता आ जाएगा। जो तब नहीं हुआ वो अब होगा।